हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट से। तो यहाँ पर मैंने पेपर कप ले लिया है और उसमें मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट कर ली थी वो डाल दी है, और अब इसको हम ऐसे टर्न करते रहेंगे ताकि चॉकलेट जो है पूरे कप पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए, अच्छे से फैल जाए। व्हाइट चॉकलेट मार्केट में इजीली मिल जाती है, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और व्हाइट की जगह आप डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कप को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा अच्छे से मैंने फैला लिया है चॉकलेट को। अब इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसको कप से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा ठंडा हो गया है और ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा। हल्का सा हम लूज़ करेंगे पेपर को और ये देखिए पूरा अपना साइड छोड़ देगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और ये बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो ये चॉकलेट कप रेडी हो गया है। आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको ये कप बहुत ही महंगा मिलता है, घर पे आप इसे बहुत ही सस्ते में और इजीली बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें एक लेयर डाल रही हूँ व्हिप क्रीम की। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा केक स्पंज और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे थोड़े से शुगर सिरप से। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो इसमें जैम भी भर सकते हैं। और ऊपर से अब हम इसमें फिर से व्हिप क्रीम की लेयर दे देंगे इस तरह से, और इसको फिनिश कर लेंगे। ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये बिस्किट का चूरा। मैंने बिस्किट को बिल्कुल बारीक चूरा बना लिया था और वो मैंने डाला है ताकि ये सैंड का लुक दे एक तरह से। और इसके अंदर अब मैं पुदीने की एक पत्ती लगा दूंगी, और ये हमारा चॉकलेट प्लांट कप बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।